नमस्कार दोस्तों, आज आप हम एक नई एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ई पर्स। तो आपने कुछ नहीं करना है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपने सिर्फ सर्च पे ई पर्स डालना है। जैसे कि मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, तो यहाँ पे मेरे पास ओपन और अनस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर डालोगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपने इसको डाउनलोड करना है और उसके बाद इस ओपन बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ओपन बटन को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने सारी परमिशंस देनी है इस एप्लीकेशन को, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी अपना पासवर्ड चूज करा हो उसको डाल दीजिए। साइन इन के बटन को क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही आप अपने साइन इन के बटन को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, वेरीफाई ईमेल आईडी, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। आप फिलहाल के लिए तो इसे स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अपनी ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर को प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं करोगे, तब तक आप फ़ंड ट्रांसफ़र की सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जिसके अंदर में आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैं आपको पूरा स्क्रॉल नीचे करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपके पास में ये आपका यूज़र आईडी का ये रेफरल लिंक है, जो कि आप देख पा रहे होगे 101, जो कि एक डेमो आईडी है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से इसको डायरेक्टली कॉपी करके शेयर कर सकते हो। शेयर नाउ पे आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके भी कर सकते हो, ताकि जो भी बंदे को आप जोड़ोगे वो आपके डाउनलाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है अन एक्स्ट्रा, उसके बाद है अदर ऑफर्स, फिर है ऐड यूज़र। अगर आपकी डाउनलाइन में कोई आपसे डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रहा है तो आप भी उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद माय डाउनलाइन, माय ई पिन रिक्वेस्ट, माय इनकम, मनी ट्रांसफ़र और रिचार्ज। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बिडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे डेली टास्क का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि इस आईडी में अभी 20 टास्क आए थे और एक भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे पेंडिंग टास्क का दिखा रहा है। उसके बाद आपके पास स्पिन एंड अर्न का ऑप्शन है, आप स्टार्ट स्पिन कर सकते हो, एक छोटा सा ऐड आएगा, उसके बाद आप स्पिन कर सकते हो। वॉच एंड अर्न का ऑप्शन है, जहाँ पे आप एक वीडियो देख के अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में रिक्वेस्ट लगाने का ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, विड्रॉल बैलेंस को चेक कर सकते हो और ई पिन ट्रांसफ़र को देख सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे ये आईडी कंटिन्यूसली यूज़ में है, तो आज की इनकम जीरो है, वॉलेट के अंदर 507 रुपये का बैलेंस है, पे आउट बैलेंस है 66 रुपीज़। आपको बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ चाहिए होगा, 100 रुपीज़ से कम बैलेंस होगा तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। मेरे पास यहाँ पे रिचार्ज वॉलेट में 330 रुपये हैं, मैं रिचार्ज कर सकता हूँ। अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप रिचार्ज कैसे कर पाओगे, कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको यूज़ करनी है। टुडे इनकम आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 0.30 आ रही है, किस किस तरह से आई है आप उसमें क्लिक करके चीज़ें चेक कर सकते हो। उसके बाद ई पिन या वॉलेट बैलेंस कितना है हमारे पास, आप वो चेक कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे बिड कैसे लगानी है। लेट सपोज ये मेरे पास चार ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी पे भी अमाउंट पे क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लेट सपोज मैंने 10 रुपये लगाए, बिड पे क्लिक करूँगा और ये मेरी बिड लग गई। रात को 11:30 बजे के लमसम आपने जिस अमाउंट पर बिड लगाई है वो जीता है कि नहीं, आप कर वो चेक कर सकते हो। अब जैसे मुझे दूसरे किसी अमाउंट पे लगानी है, तो मैं यहाँ पे भी सेम अमाउंट, आप 10 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक के बिड लगा सकते हो। अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि बिड अमाउंट कैसे आएगा, कितना आपने जीता है, कितना कितना आप जीत सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इनकेस अगर आपके पास में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो पूछ सकते हो। थैंक यू।